हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पौधे का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि बरसात शुरू हो गया है और बरसात में किसी भी पौधे की कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। तो देखिए, मैं भी पार्क गई थी और वहां से बहुत सारी कटिंग लेकर के आज आई हूँ। कुछ तो देखिए ऐसे रोड के साथ मुझे मिल गए हैं। ये वो जो चांदनी का आता है ना, सिंगल चांदनी, उसका ये प्लांट है। और हिबिस्कस के मैंने लिए हैं, ये देखिए हिबिस्कस। इसमें एक बर्ड भी आ रहा है, बट ये सब बर्ड वगैरह तो पानी में डाल दूंगी तो खिल जाएगा, बट ऐसे अगर आप मिट्टी में लगाएंगे तो खिलेगा नहीं, वो सब तो खराब ही हो जाने हैं। और ये देखिए, एक ये कटिंग ली है, दो तीन मैंने कटिंग ली है कि अगर मान लो कि एक खराब होता है तो एक तो कम से कम लग ही जाएगा। तो इसी तरह से आप भी हमेशा दो तीन कटिंग लगाया करें, जिससे कि अगर एक खराब हो तो दूसरा लग जाए। और एक ये मैंने ली है, देखिए ये भी रूट के साथ में, इसकी रूट ना बहुत फैलती है, तो पूरी जमीन में फैली हुई थी, तो ये मैंने देखिए ऐसे निकाला, इसमें भी रूट लगी है, पर इन सबको मैं तोड़ के फिर से लगाऊंगी। और ये सिंगोनियम का प्लांट है, भी बहुत सुंदर लगता है। और वो देखिए, मैंने एक ना ये ले लिया, ये मुझे रास्ते मिल गया, ये है पीपल का पेड़। ये देखिए, इसके भी रूट आए हुए हैं इस तरह से कुछ। अब ये बारिश हुई है ना, तो मिट्टियाँ ढीली हो गई हैं, तो बहुत तेजली निकल जा रही हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल डे में जाइए तो ये पौधे जल्दी निकलते नहीं हैं और टूट जाते हैं रूट। ये देखिए, ये भी रूट के साथ में आई है। तो ये मैंने मनी प्लांट लिया, मनी प्लांट में भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉप्स आया हुआ है। तो ये जो है कि ये यूं ही लग जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से अगर कट कर करके लगाए ना तो ये यूं लग जाएंगे। फिलहाल मैं इन्हें पानी में अभी ग्रो करूंगी इनको, और उसके बाद दो तीन दिन के बाद मैं इनको लगाऊंगी उसके अंदर, मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी मैंने अभी तैयार नहीं करी है ना, तो मिट्टी तब तक तैयार कर लूंगी। तो फिलहाल जो अभी पौधे स्ट्रेस में बिल्कुल हो गए हैं, पानी में डालूंगी तो थोड़े से हरे भरे हो जाएंगे। तो मैं इन प्लांट्स को ली हूँ, चलिए इनको पानी में डाल देते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स मैंने इस पॉलिथीन में रखे हैं जो मैंने वहीं से लिए। और ये देखिए, ये है, देखिए ये भी ना इसके जड़ थे थोड़े बहुत, बट ये क्या होते हैं ना, ऐसे फैले हुए से होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी डाल इनके नीचे लटक के और इनके रूट फेंक देती है और नीचे लग जाती है, क्योंकि ये क्रीपर टाइप के प्लांट है ना, तो इसलिए ये ऐसे लग जाते हैं। और इसमें हल्की हल्की सी देखिए रूट भी आई हुई है। तो ये मैंने लिया है मधुमालती, सिंगल पेटल में है। यहाँ पे डबल पेटल वाले मधुमालती नहीं मिलते जल्दी, मैंने किसी के यहाँ नहीं देखे हैं और नहीं पार्क में मैंने देखे अभी तक। तो ये मैंने ले लिए दो तीन मधुमालती की ये प्लांट्स हैं बिल्कुल। और एक और है, मैं निकालती हूँ सारे प्लांट्स इसमें से तो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो बिल्कुल कीचड़ लगा हुआ है इसमें, बहुत अच्छे से रूट है। ये देखिए बहुत बढ़िया रूट है, मैं तो इसको अभी लगा देती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर सा पौधा, ये इसको रूट ऑलरेडी है, मिट्टी भी लगी हुई है, इसको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको मैं भी पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया है, इसको भी पानी में डालने की जरूरत नहीं है। इस साथ में ये देखिए, वही चांदनी वाले प्लांट हैं जो पार्क में लगे रहते हैं ना, वाइट वाइट से फ्लावर्स आते हैं, ये सारे वही प्लांट हैं, इनके में भी हल्के हल्के रूट है, इनको तो पानी में थोड़ा डाल दूंगी ताकि और अच्छे से रूट आ जाए फिर। और ये देखिए, रोइयों का प्लांट मिल गया, तो रोइयों का मैंने लेके आई हूँ, इधर और है एक रोइयों का, ये देखिए ये तो उसकी है, मैंने ऐसे इसको, अच्छा ये एक फ्लावर था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, इसका फ्लावर लग रहा है गिर गया। एक ना चमेली टाइप है, चंपा चमेली का जो होता है उसी के उसका कहते हैं ना वैरायटी का था, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू थी उसके प्लांट को। हाँ ये रहा, ये देखिए ये रहा इसके फूल, ये देखिए बहुत, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये उसी कैटेगरी में आते हैं। और इसमें पता है खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है, ये देखिए। तो इसकी मैं कटिंग लाई हूँ, ये देखिए, इसको पानी में डालूंगी, देखती हूँ क्या होता है, ग्रो होता है या नहीं होता है, वैसे अधिकतर ग्रो हो जाते हैं। और मैं ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ग्रीन वाला लेकर के आई हूँ, इधर ये हमारा रूट के साथ में रोइयो प्लांट। तो रियो प्लांट को तो मैं भी रिपोर्ट कर दूंगी, कोई जड़ वगैरह इसमें लगा हुआ है, बाकी ये सब पानी में डाल दूंगी, इसको भी पॉट में लगा दूंगी। तो इसी तरह से आप भी अभी इस वक्त बारिश के मौसम में आप कटिंग लेकर के आए
और लगा दें, पानी में कुछ दिन डाल दें। अगर आपको श्योरिटी चाहिए 100% ना, तो पानी में कुछ दिन डाल दें, थोड़े से जड़ आ जाए तो फिर आप मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी सॉफ्ट बनाइएगा, नहीं तो अगर सॉफ्ट मिट्टी नहीं रहेगी ना तो जड़ खराब हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप पानी में डाल के लगा रहे हो तो मिट्टी हमेशा उनकी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से कटिंग आप ला के आराम से बहुत सारे, देखिए अगर हम पौधे बनाएंगे तो बिना पैसे के आप 5-6 पौधे बना लेंगे कि हमने कितने पौधे लाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 9-10 प्लांट मैं लाई हूँ आज। अगर इतने प्लांट आप खरीदने जाएंगे ना तो 2-3 हज़ार रुपये आपके लग जाने हैं इतना खरीदने में, और आप फ्री के 2-3 हज़ार रुपये सेविंग कर लेंगे इस तरह से आप लगा के। तो चलिए मैं जाती हूँ इसको पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि ये दोनों प्लांट तो जस्ट अभी लगाने वाले हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने 2 पौधे लगा दिए, ये रियो वाले और ये मधुमालती का पौधा। ये देखिए अब बस इसे पानी डाल दूंगी अच्छे से, और थोड़ा सा मैंने क्ले सॉइल देखिए ऊपर यहाँ लगा दिया है रियो प्लांट में, ताकि हिले नहीं, बहुत ज्यादा इसका रूट हिल रहा था तो मैंने क्ले सॉइल ऊपर से लगा दिया। मेरे पास पहले से था क्ले सॉइल, ताकि हिले नहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा हिल रहा था ये प्लांट। और अब पानी इसमें दोनों में दे दूंगी, बाकी ये जितनी भी कटिंग्स हैं इन सबको पानी में डालना है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम फ्रेश लीव्स लग रही है ना, क्योंकि बारिश हुई है तो बारिश के पानी पड़े हैं, एकदम फ्रेश लीव्स हो गए हैं। और इसको क्या करना है, ये नीचे की पत्तियां हटा देनी है हमें, ताकि जब पानी में रहे तो इनमें अच्छे से नीचे वाले हिस्सों में रूट्स आ जाए। अगर पत्तियां नहीं हटाएंगे तो रूट्स आने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जितना पानी में भिगोना है उतने पोर्शन को पत्तियां हटा दो आप। ये देखो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, क्योंकि मैंने हाथ से तोड़ा था ना, अब देखो इक्वली हो गया। इन सब सूखे पत्तों को हटा देते हैं और इसको अब हम पानी में डाल देंगे। है ये वाला प्लांट हिबिस्कस का, तो इसको अभी मैं रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि मिट्टी नहीं बनाई इसलिए रिपोर्ट नहीं करी। तो फिलहाल के लिए तो इनको ऐसे कट कर देती हूँ, और नीचे वाले हिस्सों को भी कट कर सकते हैं आप, सारी पत्तियों को हटा सकते हैं। पत्तियाँ खुद ब खुद भी गिर जाती हैं, और आप नहीं हटाते हैं तो भी सूख के गिरी जाती हैं पत्तियाँ। तो इसे हम छोटा कर देंगे, क्योंकि रूट बहुत लंबा है, नहीं तो लगाने में आसानी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे कट कर देते हैं, यहाँ से चलो कट कर देते हैं, ये हो गया। और ये भी रूट फेंकेंगे नहीं, इसको भी लगा देंगे, क्योंकि इससे भी हो सके तो निकल जाए। और इसको थोड़ा सा पानी में लगा देते हैं फिलहाल। हमारे गार्डन में आज पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया हमारी बालकनी, और ये हमारा मनी प्लांट एक और जो स्प्राउटिंग हो रही है, इसको भी कई हिस्सों में करके लगा सकते हैं, 2 हिस्सों में करके लगा सकते हैं। इसको यहाँ फिलहाल कर देते हैं, एक तो ऐसे लगा देते हैं। और एक और हो गया,
बट मेरा ये क्यूट सा प्लांट इतना नीचे क्यों चला गया? माय फेवरेट प्लांट। ये देखो लग रहा है सुंदर। अब बचा हमारा सिर्फ ये पीपल का प्लांट, इसके रूट कितने लंबे हैं ये देखो। तो मैं सोच रही हूँ डायरेक्ट लगा दूँ, और मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको कट कर सकती हूँ, यहाँ से कट करके लगा सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि पूरा ही ऐसे ही लगा दूँ। देखते हैं, क्योंकि पीपल मैंने कभी लगाया नहीं है, इस बार पहली दफा ही लगाऊंगी। हालांकि इस समय देखो रूट आ गई है, इतना चाहे तो कट कर दे, कट करके इतना लगा सकते हैं। इसको पहले धुल देती हूँ, धुल के अच्छे से फिर इसको लगाते हैं मिट्टी में डायरेक्ट। देखो मेरा हो गया ये सारा, यहाँ पे जो पत्तियां निकली हैं ये सब का कंपोस्ट में चला जाएगा। और कुछ इस तरीके से देखो हमने ये हमारा हो गया। ये तो कुछ समय बाद लगाऊंगी, थोड़ी सी इसमें रूटिंग आ जाएगी, उसके बाद में लगाऊंगी गमले में। फिलहाल ये दोनों मैंने लगा दिया है आपने जैसा कि देखा, और अब बस पानी दूंगी। तो इसी तरीके से आप भी गार्डनिंग करते रहिए, फ्री का पौधा अपने गार्डन में ऐड करिए, बहुत खुशी मिलती है अगर आप फ्री का कोई भी पौधा अपने गार्डन में ऐड करते हैं। क्योंकि कटिंग जो आप भी लेके आते हैं या कोई भी पौधा लेके आते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, मिट्टी में सक्सेसफुली लग जाता है, तो आपको जितनी खुशी होती है ना, उतना खरीद के लाए रहते हैं पौधा उतनी ज्यादा नहीं खुशी होती है जितना कोई बीज से उगाया हुआ पौधा या फिर कटिंग से लगाया हुआ पौधा आपका ग्रो हो जाता है तो खुशी मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से, फिर से फटाफट से आप भी जाएं और इस तरह के फ्री वाले पौधे लेकर के आएं, पार्क से या रोड के किनारे से, या किसी से ले भी सकते हैं, मांग भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, बाय बाय, कीप गार्डनिंग।